नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 फिजिक्स के 10वें चैप्टर तरंग प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने इसके पहले सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप उनके आंसर देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने इस चैप्टर के सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सभी वीडियो पूरे पूरे देख लेते हैं तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। तो यहाँ पर जो हाइगेंस का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइगेंस के तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत को समझाइए। तरंगाग्रों की अवधारणा के उपयोग द्वारा समतल पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और याद रखिएगा ये दूसरे प्रकार से भी पेपर में आ सकता है, यानी कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। और सेम इसी प्रकार का एक दूसरा है, यानी कि इसमें परावर्तन की व्याख्या है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अपवर्तन की व्याख्या, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, या फिर हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका की परिकल्पना क्या है, इसके आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए इस प्रकार से, या फिर हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए तथा स्नेल के नियम का निगमन कीजिए, इस प्रकार से आ सकता है इसमें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा यहाँ पर परावर्तन की व्याख्या या फिर सेम इसी प्रकार होता है अपवर्तन की व्याख्या, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला है, व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, ये कम मात्रा में आता है, इसके अलावा व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला है, प्रकाश की दो तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंधों का उल्लेख कीजिए, यानी कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद अगला है, व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यंग के द्विझर्री प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र डब्लू बराबर कैपिटल डी लेमडा बटे स्मॉल डी का निगमन कीजिए, जहां प्रयुक्त संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो यहां पर कैपिटल डी जो है वो द्वि स्लिट से पर्दे तक की दूरी होती है, लेमडा यहां पर तरंग दैर्ध्य है, इसके अलावा स्मॉल डी जो है वो द्वि स्लिट की चौड़ाई होती है यहां पर। तो ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, आपको दिया गया कि व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए, तो इसका मतलब ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको विवर्तन की परिभाषा तैयार करनी है, यानी कि विवर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद अगला है कि एक पतली झिर्री से प्राप्त विवर्तन चित्र बनाइए और केंद्रीय फ्रिंज की कोणी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक पतली झिर्री से प्राप्त विवर्तन का आपको प्रतिरूप बनाना है, यानी कि चित्र बनाना है, इसके अलावा केंद्रीय फ्रिंज की कोणी चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। इसके बाद अगला है, प्रकाश के ध्रुवण संबंधी ब्रूस्टर का नियम लिखिए। तो ये टॉपिक यानी कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ध्रुवण संबंधी ब्रूस्टर का नियम ये आपको जरूर तैयार करना है। इसके बाद अगला है, प्रकाश की एक किरण एन अपवर्तनांक के किसी पारदर्शी माध्यम पर ध्रुवण कोण आईपी पर आपतित है, एन तथा आईपी में संबंध स्थापित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित तथा परावर्तित ध्रुवित प्रकाश किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। तो इसमें जो ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित तथा परावर्तित ध्रुवित प्रकाश किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अलग प्रकार से भी आ सकता है, यानी कि केवल इसमें आपसे ये आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर किसी किरण के आपतित होने पर परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, या फिर ब्रूस्टर का नियम क्या है, दिखाइए कि जब प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। इसके बाद अगला, ध्रुवण कोण
ध्रुवण तल तथा प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर याद रखिएगा तीन टॉपिक हैं, यानी कि ध्रुवण कोण किसे कहते हैं, इसके अलावा ध्रुवण तल क्या होता है और प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ये अक्सर एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, यानी कि ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है, ध्रुवण तल किसे कहते हैं और प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।